हेलो गाइस, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं हर्षवर्धन। आज आपके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज हाउ कैन वी गेट द हैप्पीनेस। हम अपने लाइफ में हैप्पीनेस कैसे गिव करें, और ये जान लीजिए हैप्पीनेस एक ऐसा गिफ्ट है, अगर ये आपके पास है, कुछ हो या ना हो आप हैप्पी रहेंगे, आपका सब काम फिट रहेगा। आपके पास सब कुछ है और अगर ये नहीं है हैप्पीनेस, सब बेकार है। क्यों? क्योंकि इसी के लिए तो सब कुछ किया था और यही नहीं है तो सब बेकार है। और अगर ये कमा लिया, ये आपने समझ लिया कि हैप्पीनेस कैसे हम अपने लाइफ में कनेक्ट कर सकते हैं। देखो हैप्पीनेस इंसान चाहता है, मैं हमें ऐसा हैप्पी रहूं, बट प्रॉब्लम कहां आता है, जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलते समय लगता है कि हम बोल्ड ना हो, बस कैसे भी हो हम बोल्ड ना हो, एक बॉल आती है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। उस बॉल को अच्छा क्रिकेटर है तो क्या करेगा, इधर लगा देगा, इधर लगा देगा, इधर लगा देगा, इधर लगा, अच्छा खेल जाता है और वो बहुत देर तक पिच पर टिका रहता है, ठीक है। तो क्या हो गया, उसको पता है कि हैप्पीनेस कैसे पाना है, प्रॉब्लम्स आ रही है इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स, टिक कर दिया, उसको सही डायरेक्शन दे दिया और वो बॉल चली गई, निकल गया, प्रॉब्लम्स खत्म हो गया। ऐसे ही आपके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कंपैरिजन का, ठीक है। हम में से मैक्सिमम लोग, आप खुद बताना, ठीक है, हम में से मैक्सिमम लोग इसलिए हैप्पी नहीं हो पाते कभी कभी, क्योंकि लोग कंपेयर करने लगते हैं और हम खुद कंपेयर करने लगते हैं। अच्छा मेरा एक दोस्त वहां घूम रहा है, हो सकता है वहां रो रहा, हो सकता है वहां लड़ रहा हो, लेकिन वो घूम रहा है, अरे यार उसके लाइफ में कितना अच्छा है। वो वाला दोस्त देखो वहां पर शादी में इंजॉय कर रहा है, इंजॉय कर रहा है या फिर लेबर की तरह खट रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, वो हमें नहीं पता। हमें तो बस वो स्टेटस और वो इंस्टाग्राम हमें दिखा रहा है, फेसबुक दिखा रहा है, क्योंकि इससे हम सोच ही नहीं सकते, हमारी सोच ही खत्म हो गई इसके ऊपर। मतलब हम लोगों को देख के कंपेयर करके और बस अपने अंदर सैडनेस ले आ लेते हैं और दुखी रहते हैं, यार इन लोगों का बहुत अच्छा लाइफ है, ये यहां घूम रहे हैं, ये बर्फ में घूम रहे हैं, ये यहां है। हो सकता है ठीक है, वहां पर घूमने के बाद भी उनके पास हैप्पीनेस ना हो, क्योंकि उनको प्रॉब्लम समझ में आ रही हो, यार इसके बाद ये क्या करेंगे, जॉब से निकाल दिए गए, ये हो गए, उनके भी प्रॉब्लम होंगे। बट हम क्या देख रहे हैं, जो सामने दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि मेरा हाथ साफ है, हो सकता है इधर से मेरा हाथ बहुत गंदा हो, तो आपको कैसे पता, मैं ऐसे कर लिया ना, ठीक है। तो मैं तो आपको बस ये दिखा रहा हूं, ये तो दिखाई नहीं रहा हूं, ठीक है, कि हमारे पीछे आप हो सकता है गालिख लगाओ, ठीक है। तो हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हैप्पीनेस आप अपने दूसरों के हाथों में अपने कंट्रोल को दे दिए तो गया। दूसरों का तो मतलब दूसरों को देख के हम अपनी खुशियों को डिसाइड करने लगे। दूसरी चीज कभी कभी होता है, अरे यार वो तो उस कंपनी में है, बहुत अच्छा पैकेज पा रहा है हम इस कंपनी में, अरे भैया हो सकता है उसको बहुत स्ट्रेस हो, सकता है बहुत ज्यादा उसको गालियां पड़ती हो, तब जाके वो इतने पैसे कमाता हो सकता है आप इससे बेहतर कमा जाओ। तो कंपेयर क्यों करते हैं उस चीज से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मदर फादर में ही प्रॉब्लम्स होती है, वो क्या करते हैं, बचपन से ही हमें कंपेरिजन का गुण सिखाने लगते हैं, शर्मा जी का लड़का ये कर रहा है, दुबे जी का लड़का ये कर रहा है, पांडे जी का लड़का ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। और यहां से धीरे 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 हमें क्या होता है, कंपेरिजन की आदत पड़ जाती है, फिर उसके बाद हमारे साथ भी कोई होता है वो भी कंपेरिजन करने लगता है, और इससे हम अपने हैप्पीनेस को धीरे धीरे प्रॉब्लम्स में डालने लगते हैं, और धीरे धीरे हैप्पीनेस से सैडनेस में आ जाते हैं, और आपकी जो चर्बियां होती है धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, आप लगता है सब बेकार है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका हैप्पीनेस कंटिन्यू रहे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपैरिजन मत करो। कंपैरिजन करना अच्छी चीजों का करो, आप कंपैरिजन करो हैबिट्स का, ठीक है, कि मुझे अर्ली टू मॉर्निंग्स अगर उठ रहा है और उसके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, चलो हम भी यार अर्ली टू मॉर्निंग्स उठते हैं। कंपैरिजन सैडनेस वाला मत करो कि यार उसके पास ये वाली लैम्बोर्गिनी है, अरे यार लैम्बोर्गिनी क्या है, हो सकता है इससे बेटर कुछ कर लो, ठीक है। तो सबके लाइफ में मतलब देखो इंसान है ना, इंसान असीमित कर सकता है, कोई भी चीज को असीमित कर सकता है, बस सोचने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज क्या होता है, हम अपने आसपास जो होता है बस उसी से कंपेयर करते हैं। अगर आप ऐसे जगह पे हो जहां पर सबके पास एक साइकिल है, आपका कंपैरिजन बस ये, छोटे बच्चों से पूछो, उनको सिर्फ और सिर्फ साइकिलें दिखती है बच्चों की, तो उनकी लाइफ में क्या दिख रहा है, अरे यार इसके पास इतनी अच्छी वाली साइकिल है, वो उसी के लिए अपने आप में उनको हैप्पी अनहैप्पी जो भी बोलो, ठीक है, वो अपने आप में उसी में मस्त है, साइकिल उनकी दुनिया है। एक दुनिया आती है, एज आती है जब आपको सिर्फ बाइक्स दिखती है, हल्की वाली बाइक कितनी अच्छी उसके पास है, मेरे पास नहीं है, इसके पास ये वाली बाइक, ये वो बाइक्स का कंपेरिजन हो जाता है। फिर एक टाइम आता है जब आप कार के लिए कंपेयर करने, इसके पास ये वाली कार, इसके पास, मतलब आप कंपेयर कर करके अपने हैप्पीनेस को खत्म करते चले जा रहे हो, और ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। दिस इज योर लाइफ, एक ही बार मिली है, इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आए उन प्रॉब्लम्स को देखो कैसे टैकल किया जा सकता है, कैसे साइड लगाया जा सकता है, साइड लगाओ और हैप्पी रहो। अगर आप हैप्पी है तो समझ लीजिए आपके लाइफ में ग्रोथ होगा, क्योंकि अगर मैं हंस हंस के मस्ती से आपको पढ़ा रहा हूं, सपोज मैं एज ए टीचर, तो क्या हो रहा है, मैं इंजॉय कर रहा हूं, मैं अच्छे से अपने काम को प्रेजेंट कर रहा हूं, मेरा काम ग्रोथ होगा, ठीक है।
अच्छे तरीके से मैं हैप्पी होके अपने एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो क्या होगा, मेरे बॉडी में लगेगा। अच्छे तरीके से हैप्पी होके हंस हंस के लोगों से अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग का विकास होगा। ये हैप्पीनेस बहुत चीजों को बढ़ाता है, ठीक है। आप अच्छे तरीके से हैप्पी होके कहीं पर जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, उसको भी अच्छा लग रहा है, प्लस उससे मिलने के बाद आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि आप खुद ही ऑलरेडी अंदर से मस्त हो, तो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है। यही चीज आप सैड होके करो। मैं सैड होके पढ़ाऊ, सामने वाले लगे क्या असर पड़ा रहे हैं, ठीक है। सैड होके एक्सरसाइज करो, अरे यार क्या एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरी बॉडी बड़ी लगेगी, अरे यार क्या खाना है, क्या हो गया। सैडनेस के साथ सब कुछ बिगड़ जाता है और हैप्पीनेस के साथ सब कुछ ग्रो कर जाता है। तो क्यों ना हम हैप्पीनेस को करें, और हैप्पीनेस को जो भी चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती हैप्पीनेस में उनको ओवरकिल करते चले जाए। ओवरकिल मतलब हमारे ऑटोकैड में कमांड होती है ओवरकिल, ओवरकिल मतलब जो भी चीज एक दूसरे पर आ रही है उसको रिमूव करने के लिए ओवरकिल कमांड होती है, लगाओ ओवरकिल खत्म करो सबको। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है अगर वो हैप्पीनेस में बाधा कर रही है उनको नमस्ते करो, ठीक है। आपको एक गर्लफ्रेंड मिली, वो गर्लफ्रेंड आपको बहुत परेशान कर रही है, ये वो आज यहाँ घूमेंगे कल वहां घूमेंगे, ओवरकिल, ठीक है। आपको कल को आपके कोई दोस्त मिला, यार यहाँ चलते हैं, कंपेयर कर रहा है, उसके बाद तेरे पास तो ये भी नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, ओवरकिल कमांड हटाओ इसको, ठीक है, बहुत दोस्त मिलेंगे। मतलब क्या है कि जो भी आपके हैप्पीनेस से खिलवाड़ करे उसको भगा दो, ठीक है, उससे अपने आप को दूर कर लो कि भाई हैप्पीनेस से खिलवाड़ ना, ठीक है। अब ये दोस्त मेरा तभी मेरा दोस्त बन पाएगा जब ये समझेगा कि यार इस इंसान को डिस्टर्ब करना मतलब समझदारी नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर आपको हैप्पीनेस को आप कंट्रोल कर लिए, जिस काम में लगोगे आप हैप्पी होकर झाड़ू लगाओगे ना, झाड़ू भी अच्छी लगेगी। आप नहीं लगाओ, चलो हम ही लगा लें, क्यों बोलेगा मेरे को सर झाड़ू लगाने के लिए बोल रहे हैं। अगर नहीं झाड़ू, अगर मैं हैप्पी होकर लगा रहा हूँ तो आप झाड़ू अच्छी लगेगी। खाना मैं हैप्पी होकर बना रहा हूँ तो खाना अच्छा बनेगा। हैप्पी होकर मैं बर्तन धुला हूँ, बर्तन अच्छा धुलेगा। हैप्पी होकर मैं अपने करियर के लिए स्किल्स एड कर रहा हूँ अपने अंदर, वो अच्छा होगा। यार हैप्पीनेस के कितने ढेर सारे बेनिफिट्स हैं, और बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आप खुद समझदार हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे लास्ट में, इस वीडियो को समराइज करते हैं कि हमें कैसे भी करके अपने हैप्पीनेस वाले एरा को मेंटेन रखना है। हैप्पीनेस वाले एरा को कैसे मेंटेन करेंगे, अपने माँ बाप को हैप्पी रखिए, उनकी सेवा करेंगे क्योंकि वो ब्लेसिंग्स देंगे, वहां से भी बहुत सी हैप्पीनेस आती है, बहुत से प्रॉब्लम से वो आपको बचाएंगे, वहां से भी हैप्पीनेस आती है। आप अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी आपको एक अच्छी गाइडेंस देंगे, तो वहां से भी आप हैप्पीनेस स्टोर कर सकते हो। एक तरीके से ऐसा बैंक बैलेंस है जिसे अगर आप चाह लो और अगर आप ट्रिक सीख लो कि कैसे टैकल करना है, कोई भी इसे आपको बोल्ड नहीं कर सकता। और अगर लोगों को पता चल गया कि इस इंसान का ये वीकनेस है, यहां से इसकी हैप्पीनेस खत्म होती है, बस उसी दिन से आपकी लगनी स्टार्ट हो गई और आप प्रॉब्लम्स में फंसते चले जाएंगे। और एक बार हैप्पीनेस को खोया, हर एक काम आपका खराब होने लगेगा। सो कुछ भी स्ट्रेस आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको बाहर से रिमूव करने की कोशिश करो, उसको अंदर एंट्री ही मत दो और अपने हैप्पीनेस को मेंटेन करो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, थोड़ा कमेंट वमेंट करके साथ बढ़ाओ। अगर हो सके तो यहाँ पर शेयर बटन पर शेयर कर दो, या दो चार लोगों को क्या जाता है तुम्हारा, बट इससे क्या होगा, अच्छे अच्छे कंटेंट आपके दिमाग में जाते रहेंगे। हमने जो भी दो चार किताबें, 10 किताबें पढ़ी हुई हैं, अभी जो पढ़ रहा हूं उनके जो भी सारांश होंगे आपके द्वारा साझा करते रहेंगे, हो सकता है वो आपके लाइफ में कुछ न कुछ बेहतर करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।